देवास में एक बड़ा सेक्स रैकेट गिरोह पकड़ा गया है जिसमें एक दलाल सहित दर्जन भर लड़के और लड़कियां गिरफ्तार किए गए। बांगर में स्थित मे प्लस ब्लू होटल में देर रात को सेक्स रैकेट गिरोह को पुलिस ने धर दबोचा है, जिनको BNP थाने पर लिया गया। विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस द्वारा ऐसा बताया गया है कि मे प्लस ब्लू होटल में शिकायत मिलने पर दबिश दी गई, जिसमें दर्जन भर युवक युवतियों को अनैतिक कार्य में लिप्त पाया गया, जिन पर विभिन्न धाराओं के प्रकरण दर्ज कर लिए गए हैं। बात हुई थी कि मेपल्स ब्लू होटल में जो है अनैतिक देह व्यापार कुछ लड़कियों को लाया गया है और अनैतिक रूप से देह व्यापार किया जा रहा है। उस सूचना पर DSP महिला प्रकोष्ठ के साथ में टीम बनाकर तो मेपल्स ब्लू होटल बंगर में दबिश दी गई, जो वहां से 6 लड़कियां और 6 पुरुष गिरफ्तार किए गए हैं। इनके विरुद्ध 3, 4, 5 और 7 DSP 356 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है, कार्रवाई दर्ज की गई है और वहाँ पर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। उनके साथ में 3 कारें जब्त की गई हैं। इसके अलावा जो है आपत्ति सामग्री मिली वो सारी जब्त की गई है। युवक दिल्ली के ये इसमें जो है एक दलाल है जो इन लड़कियों को वहाँ से जैसे कि उसको यहाँ लेकर आया था और जो होटल संचालक है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। अशोक नाथ उसका नाम है, उसके खिलाफ प्रकरण कायम किया है। उसके अलावा 3 ग्राहक मिले हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां सर, कितने लड़के और लड़कियां कितनी? 6 लड़कियां हैं, 6 लड़के। सर ये होटल जो है कई बार चर्चाओं में आ चुका है देह व्यापार को लेकर, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल चर्चाओं में आया है, तो देखिए उसमें कार्रवाई की गई है और पुलिस के द्वारा सख्त एक्शन लिया गया है और इसमें जो लोग सभी को उन सबके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।